की जो एक रोमांटिक मूवी है दिल तुझ पे कुर्बान का एक सैड सॉन्ग है और उसी जी के ऊपर है, तो उसी की शूटिंग चल रही है सर। फिल्म में आपको लॉन्च किया गया इस फिल्म में जी, अभय तिवारी जी और डायरेक्टर हैं राजू भाई जी, कहना चाहेंगे जी राजू जी के बारे में बताना चाहूँगा कि बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, हर एक सीन को कई एंगल से सोच के शूट करते हैं, ठीक है। तो वैसे भी इनके साथ में मैंने ये मूवी भी की, इसके बाद नेक्स्ट में जो एक्शन मूवी नीलकंठ आ रही है उसमें भी हम लोग साथ में ही हैं। तो अच्छे डायरेक्टर है, टैलेंटेड है और बहुत ही ये बॉलीवुड टाइप के डायरेक्टर हैं जी। जी 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 बिल्कुल, बहुत ही मंजी हुई कलाकार हैं और अपने अपोजिट में जो रहते हैं जो कलाकार जो आर्टिस्ट है जैसे मैं हूँ, तो उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला मुझको कि एंगल कैसे देखते हैं, क्या मेकअप होना चाहिए, आर्टिस्ट कैसे बिहेव करते हैं, एक एक्टर कैसे बिहेव करता है। बेसिकली ये मेरा पहला है, तो मुझको इसका नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने हर जगह मुझको सपोर्ट किया, समझाया कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करते, तो माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है जी। मेरे को पहली पिक्चर में उतनी खास दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैं पहले से अपना माइंड सेटअप बना के बैठा हूँ कि मुझे ये सब होने वाला है, तो मैं पहले से ही रिहर्सल में था, तो उतनी नहीं हुई। लेकिन हाँ, बड़े रितेश पांडे, आरुषि तिवारी और अमित शुक्ला ऐसे अब दिग्गज कलाकार हैं, तो इनके सामने थोड़ा सा आदमी मनोबल डाउन होता है, लेकिन मेरा एक दो दिन हुआ, उसके बाद से मैं नॉर्मल हो गया। संजय कुर्वे जी काफी गाने कोरा किए हैं बॉलीवुड जी 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 बिल्कुल बिल्कुल हेल्प करते हैं सर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना ब्रिलियंट कोरियोग्राफर मैंने सुना था, देखा नहीं था,
क्योंकि इन्होंने एक मेरे गाने को कोरियोग्राफ किया हुआ है, वो गाना आप लोग को दिखेगा। मतलब मेरे को लगता है कि भोजपुरी का सबसे बेहतरीन गाना, सबसे महंगा गाना यही है जो उन्होंने मुझको करके दिया है, वो आप लोग देखेंगे। और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ संजय कुरवे जी का। इसमें दिल तुझमें कुर्बान में रितेश पांडे हैं, मैं हूँ, आरुषि तिवारी हैं, अमित शुक्ला हैं, अमित शुक्ला को सब जानता है, समर्थ जी भी हैं, और संगीता मिश्रा हैं जी, संगीता तिवारी, सोनिया मिश्रा हैं, संगीता तिवारी हैं, दीपक सिन्हा हैं, अयाज खान हैं जी जी। जी देखिए, फिलहाल मार्केटिंग के बारे में मैंने तो नहीं सोचा कि ऐसे, मैं अभी फिलहाल एज ए एक्टर हूँ। मार्केटिंग के बारे में डायरेक्टर सोचेंगे, और जब मैं कुछ देती हूँ उसका इंटरव्यू जरूर लीजिएगा। हाँ नहीं, रिकॉर्ड नहीं जी 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 बिल्कुल। देखिए, मेरा कोरोना वायरस का कहर है, अब गवर्नमेंट जैसा कह रही है, और अब प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज़ करें, और बेसिकली गवर्नमेंट ने शायद सब बंद किया हुआ है। तो फिलहाल अभी तो हमारे एसोसिएशन ने कल तक का हम लोग को डेट टाइम दिया हुआ है, तो जैसे भी होगा गवर्नमेंट जैसा कहेगी हम लोग वैसा ही करेंगे, हम लोग गवर्नमेंट के साथ हैं। जी देखिए, अभी हम लोग बेसिकली अब फील्ड में हैं, एक्टर हैं, तो मास्क हम भी यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइजर हम भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब सीन में तो मास्क लगाएंगे नहीं, लेकिन आउट ऑफ सीन जब आते हैं तो मास्क यूज़ करते हैं, सैनिटाइजर यूज़ करते हैं। जी देखिए, ये तो गलत है, सैनिटाइजर मेडिसिन में आता है, और मेडिसिन इंडिया में सस्ता होना चाहिए। आपको नहीं लगता ऐसे ऐसे लोग गवर्नमेंट उसको अरेस्ट करे और इसको अंदर डाले? नहीं नहीं, क्योंकि अभी के टाइम में लोग हेल्प करना चाहिए, तो उसको प्राइस बढ़ा रहे हैं, जो मास्क 15 में मिलता है उसको 500 में बेचा जा रहा है, जो 500 था वो 5000 में बेचा जा रहा है। नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट के नॉलेज में शायद अभी तक नहीं गया होगा, अगर गवर्नमेंट के नॉलेज में गया होता तो अभी तक उस पर एक्शन ले लिया गया होता, और होगा, गवर्नमेंट कुछ करेगी इसके अगेंस्ट में। नरेंद्र मोदी जी इसके लिए काफी चीजें कर रहे हैं, आपको क्या कहना है? जी, मोदी सर, मोदी जी के बारे में कहने की तो कोई बात ही नहीं है, हम जितना भी कहें मोदी जी के लिए उतना ही कम है। और मोदी जी भी जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए, तो जब उतने बड़े लीजेंड कर रहे हैं सर, तो हम भी उन्हीं के साथ हैं, बस साफ सुथरा रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर लगाइए। जी जी बिल्कुल, देना चाहूँगा, फिलहाल इस समय जो कोरोना वायरस है इंडिया में, तो हमारे भोजपुरी जो फिल्म इंडस्ट्रीज है उसकी तरफ से मैं स्पेशली ये सबको कहूँगा, अपने दर्शकों को, कि आप सावधानी बरतें, मास्क यूज़ करें, सैनिटाइजर यूज़ करें, और इस वायरस से बचें, आप बचेंगे तभी हम लोग बचेंगे। चलिए, थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।